नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 7.2 अध्याय 7.2 पढ़ेंगे। कक्षा 8 का एनसीईआरटी बुक्स। आज हम 7.2 में पढ़ेंगे घनमूल। 7.1 में कल हमने पढ़ा घन के बारे में। घन क्या होता है? जिसके तीन तीन के पेयर हो, यानी कि टुकड़े बने। अब घनमूल में क्या होता है भाई? तीन तीन के वही टुकड़े बनाने, उनमें से एक एक को बाहर उठा के रख लेना है। तो वो क्या जाएगा अपने पास? घनमूल, जैसे कि वर्गमूल में करते थे। आप देखो, एक्सरसाइज है आपकी 7.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसा कि अपन ने घन में किए थे या फिर पहली प्रश्नावली में किए थे 7.1 में। पहला देखो, 64 का करके बता देता हूं आपको, 64 के अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या होंगे भाई? 2, 3 दुनी 6, 3, 2 दुनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 का 2, 2 चुके 12, फिर 2 का जाएगा, 2 8 16, फिर 2 का जाएगा, 2 चुके 8, फिर 2 का 2, फिर 1। तो 64 का गुणनखंड क्या है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो, तीन तीन के जोड़े बन रहे। अब ये जो तीन तीन के जो जोड़े बन रहे ना, इनमें से एक एक उठा लेंगे, यानी कि कोई एक गुणनखंड उठा लेंगे। अब दो, तीन बार दो है, इसमें से एक दो उठा लेंगे, दो फिर गुणा में, फिर ये तीन बार दो आ गया, फिर इसमें से एक उठा लेंगे। इसी प्रकार अगर और ज्यादा आते जाएं तो उनमें से भी एक एक उठा लेने। तो ये 64 किस का घन होगा? 4 का। और 64 का घनमूल क्या होगा? 64 का घनमूल क्या होगा भाई? ये घनमूल का साइन होता है भाई, यहाँ आप समझ लो, ये तीन कहां से ले, ये क्यूब होती है। घनमूल का साइन 4, 64 का घनमूल क्या होगा? 4, यही आपका आंसर। इसी का चलो एक और देख लेते हैं, तीसरा, थर्ड देख लेते हैं। ये तो छोटे छोटे हैं सारे, एक ये ज्यादा वाला, ये देख लेते हैं, 10, 648। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो क्या आएंगे? 2 का भाग देंगे, क्या आएगा? 2 पंजू 10, 2 3 6, 2 दुनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 का चला जाएगा, 2 दुनी 4, 2 छिका 12, फिर 2 छिका 12, फिर 2 दुनी 4, फिर 2 का देंगे चला जाएगा, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 2 एका 2। अब आपको क्या करना होगा? अब देखो, इसमें भाग दे के देखना है, 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा। अब अगर ऐसे भाग दे के देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब आपको 1 से लेकर के 10 तक के अगर घनमूल या घन आपको याद होंगे ना, तो आपका काम बड़ा ही आसान होगा। यानी 1 से लेकर के 10 बहुत ही आसान है, और उसके बाद में अगर 11 से लेकर के 20, यानी 1 से लेकर के 20 तक के अगर आप घनमूल याद कर लेते हो तो बहुत ही आसान होगा। अब 1331, ये किसका घनमूल होता है भाई? 11 का घन होता है ना, 11 का भाग जाएगा तो क्या आएगा? 11 का 11, 11 दुनी 22, 11 का 11, फिर किसका? फिर 11 का, फिर 11 भर गया, फिर 11 एक आया। अब इनके गुणनखंड लिख लेंगे, 10, 648 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब तीन तीन के जोड़े बना लेने, 2 के 3 2 आ गए, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, 3 11 आ गए, एक जोड़ा बन गया, तो 2 गुणा 11 बराबर क्या आया भाई? 22। घनमूल 10648 का क्या होगा? 22। ये आपका आंसर। ऐसे ही कर लिया, बड़ा ही आसान ना।
बाकी के क्वेश्चन आपको खुद को करने। अब क्वेश्चन नंबर दो, दूसरे में आ जाइए। सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है। इससे आप लोगों का बेस पता चलेगा, यानी कि जिसको बेसिक क्लियर है, जिसका भी अगर बेसिक, यानी कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं क्लास में, यानी आठवीं तक अभी तक आपने जो पढ़ा, थर्ड से लेकर के सेवंथ एट्थ में भी, एट्थ में बेसिक थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसका टेस्ट ट्रू एंड फॉल्स में होता है, यानी सत्य और असत्य में होता है। बेसिक ही पूछते हैं, किसी भी विषम संख्या का घन सम होगा। पहला देखो भाई, किसी भी विषम संख्या का घन सम होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। भाई विषम संख्या का घन सम कैसे होगा? देखो ये असत्य बात है, असत्य है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे तीन विषम संख्या है, तो तीन का घन क्या होता है? 27। इसी प्रकार पांच विषम संख्या, पांच का घन क्या होता है? 125। तो विषम संख्याओं का घन सम प्राप्त नहीं होना, घन क्या प्राप्त हुआ हमें? विषम संख्या। आगे बात समझ में? अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। अब देखो दूसरा, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो ये बात सत्य है ना, एक पूर्ण घन है वो दो शून्यों पर समाप्त थोड़ी ना होता है। पूर्ण घन नहीं होता, वर्ग होता है दो पे। जैसे कि देखो 10 का ही क्यूब है, अब देखो 10 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा भाई आपके पास? 1000 आएगा। अब देखो शून्य कितने हैं? 3 है। अगर इसकी जगह 10 का वर्ग कर लेते तो 2 शून्य आता। अब देखो 3 पे खत्म हो रहा है, 2 पे नहीं हो रहा है, तो ये बात सत्य है। 2 शून्यों पर समाप्त नहीं हो रहा, ये 3 पे हो रहा है, ये बात सत्य है। तीसरा देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, ध्यान देना, यदि कोई संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन किस पर समाप्त होना चाहिए? 25 पर समाप्त होना चाहिए। तो ये बात असत्य है ना, असत्य है। देखना कैसे असत्य है, मान लो 5 का ही वर्ग है, 5 का वर्ग 25 हो गया भाई, 5 पे समाप्त हो रहा है, हो गया ना। अब 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग यानी 5 है, 5 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कि 15 भी आ गया, 15 का वर्ग किस पे खत्म होगा? 225 पे। अब आप देखना 15 का घन क्या होता है? 15 का घन शायद 13-75 होगा, होता होगा, देखना 33-75। 15 का घन क्या होता है? 33-75। अब इसने क्या कहा कि अगर किसी संख्या का, यानी कि 5 का घन 5 पे खत्म होता है, 25 किसी संख्या का वर्ग 5 पर खत्म होता है तो उसका क्यूब किस पे खत्म होगा? 25 पे। 25 पे नहीं हो रहा, देखो अब 15 का वर्ग 25 पे खत्म हो रहा है, हो रहा है ना, और ये 25 पे नहीं हो रहा, वर्ग होता तो 25 पे खत्म होता, तो ये बात असत्य, यहाँ पे 75 पे खत्म हो रहा है। फोर्थ देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, तो ये बात भी असत्य है ना, कि ऐसा कोई घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता हो, ऐसे थे ना। ऐसा घन है जो 8 पे समाप्त हो जाता है, जैसे कि 2 का घन 8 पे समाप्त होता है ना, हाँ, और 12 का घन करेंगे तो भी का अंक आपको पता है, 2 × 2 × 2 8 ही आएगा, तो ये भी खत्म हो रहा है। इसी प्रकार बहुत सारे घन है ना जो 8 पे खत्म होते हैं, तो इसने कहा कि समाप्ति नहीं होता, ऐसा कोई पूर्ण घन ही नहीं है जिसका एकाएक अंक 8 आए। गलत बात है ना इसकी, ये बुक वाला कितना गलत बोलता है, देखो बोला है ना इसने, तो इसीलिए अपन ने इसको असत्य दे दिया। पांचवा प्रश्न देखो, 2 अंकों की
देखो भाई, दो अंकों की संख्या का घन तीन अंकों वाली संख्या हो सकती है। पांचवा प्रश्न, दो अंकों की संख्या का घन तीन अंकों वाली संख्या हो सकती है, असत्य। असत्य होगा ना? असत्य कैसे होगा? देखो, दो अंकों की संख्या का घन तीन अंकों वाली संख्या हो सकती है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, दो अंकों वाली संख्या 15 का घन। 15 का घन क्या होगा भाई? 33, 75, चार अंकों की संख्या प्राप्त होगी ना, तो ये क्या है? असत्य है। छठा देखिए, दो अंकों की संख्या के घन में सात या अधिक अंक हो सकते हैं। दो अंकों की संख्या में सात या उससे अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये क्या होगा भाई? असत्य होगा। यानी कि दो अंकों की संख्या में चार पांच छह तक के अंक होंगे, बड़ी से बड़ी संख्या 99 है। इसका गण करके आप लोग देखना, और जो आएगा वो शायद छह ही अंक आएंगे, तो छह से ज्यादा अंक नहीं होते। बड़ी से बड़ी संख्या दो अंकों की 99 ही है, तो इसमें ही नहीं आएंगे तो फिर किसी में नहीं आएंगे। सातवां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। एक अंक वाली संख्या का घन, एक अंक वाली संख्या का घन, एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक वाली संख्या है, उसका घन क्या हो सकती है भाई? एक अंक हो सकती है। ये हो गया भाई सत्य। कैसे? एक अंक वाली संख्या दो है, दो का घन करेंगे 8 आ जाएगा, हो गया ना सत्य। अब आपका बच गया तीसरा प्रश्न। इस पोर्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ना, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। और ये ऐसी ट्रिक है जो आपको शायद ही कहीं मिले, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913 यानी कि 4913, 12167, 32768 के घनमूलों का अनुमान लगाइए। अब इसने आपको क्या दिया है कि गुणनखंड नहीं करने, अभाज्य गुणनखंड किए थे ना अपने पहले वाले उसमें पोर्शन में, तो अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं करने, अभाज्य गुणनखंड के बिना बताया। तो अब देखो, तो उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? एक से कम 10 तक के घनमूल याद होना चाहिए। एक का घनमूल या घन 1, दो का घन 8, तीन का घन 27, चार का घन 64, पांच का घन 125, छह का घन 216, सात का घन 343, आठ का घन 572, और नौ का घन 729, और 10 का घन क्या होता है भाई? 1000। आपको ये याद होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आपको दिया है कि भाई बिना अभाज्य गुणनखंड के, बिना अभाज्य गुणनखंड के वो देखते 1331। अब आपको पता है ये तो 11 का होता है, अगर किसी को याद है तो पता है, लेकिन निकालेंगे कैसे वो देखना है। वो ट्रिक देखो, बिना अभाज्य गुणनखंड के यानी बिना गणना की एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम लोग बता सकते। पहले तीन अंक ले लेने हैं भाई, तीन अंकों में इकाई का अंक क्या है? तो इकाई का अंक एक है, तो इकाई का अंक एक कहां पे आ रहा है? एक, तो एक ले लेंगे। देखो इकाई का अंक एक आ रहा है ना, एक किसका घन है? एक का ही है, तो इकाई का अंक एक ले लेंगे, या फिर चलो इसके बराबर में लिख देते हैं।
इकाई का अंक एक आ रहा है तो एक ले लेंगे, बाकी बच गया ये अकेला है। अब ये एक है, ये किस पे आ रहा है? आठ और एक के मध्य आ रहा है। अब आठ और एक का घनमूल क्या है? दो और एक। अब इन दोनों में से सबसे छोटा देखना, सबसे छोटा यानी दो और एक में से छोटा देखना, दो और एक में से छोटा क्या है? एक। तो ये किसका घनमूल है भाई? या घन है, 11 का घन है 1331, और 1331 का घनमूल क्या है? 11 है। 1331 इसका घनमूल बराबर क्या है? 11। आ गया समझ में? अब एक से अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा करके देखते, अगर पहले वाले से ट्रिक से समझ में नहीं आया तो दूसरा देखते, पहले वाले से थोड़ा कंफ्यूज में रह जाते हो आप लोग, दूसरा वाला देखना, इसमें बड़े आसानी से समझ में आएगा। देखना कुछ पहले वाले में आ गया, कुछ इसमें। पहले तीन अंकों में इकाई का अंक देखना है, तीन। इकाई का अंक तीन किस में आ रहा है? ये आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो ये किसका घनमूल है? इसका घनमूल क्या होगा? सात। सात होगा, ठीक है, रख दिया। उसके बाद में बच गया चार। चार किसके बीच में आ रहा है? एक और आठ के बीच में आ रहा है, एक और आठ के बीच में आ रहा है ना। चार किसके बीच में आ रहा है? देखो अब ये सात देखना, फिर से देखो, इकाई का अंक तीन है, तीन कहां से आया? सात का घन करेंगे तो क्या आएगा? 343। तीन इकाई का अंक है ना, तीन है, तो तीन का घनमूल यानी 343 का घनमूल, या जिसका इकाई का अंक तीन है उसका घनमूल क्या है? सात। तो वो सात इकाई का अंक की जगह रख देंगे। अब बच गया चार, तीन अंकों में से एक तो ले लिया भाई, एक आ गया। अब बच गया चार, चार किस किस के घन के बीच में आ रहा है? एक और आठ के बीच में ही तो आता है ना चार। हाँ, इनके घनमूल देखो, आठ का घनमूल दो, एक का घनमूल एक, एक और दो में जो छोटा होगा ना वो ही हम लोग लेंगे। एक और दो में छोटा क्या है? एक। तो क्या होगा भाई? 4913 का घनमूल क्या होगा? 17। आ गया समझ में? इसी प्रकार आगे वाला देखो, सारे करवा देता हूं। 12167, ये पहला था, ये वाला दूसरा है, ये वाला तीसरा है। देखो ध्यान से देखना, पहले तीन अंक उठा लेंगे, ये उठा लिए, इनमें देखो इकाई का अंक सात कहाँ पे आ रहा है? सात यहाँ पे आ रहा है, तो उठा लेना भाई क्या? तीन। सात का घनमूल या 27 का घनमूल तीन, थोड़ा सा दूर लिखते हैं अभी, तीन और भी अंक आएंगे। अब देखो बच गए 12। अब 12 किस किस के बीच में आते हैं? आठ और 27 के बीच में, 9, 10, 11, 12 है ना, और उसके बाद में 27 आता है, आठ और 27 के बीच में आता है। तो आठ और 27 के अपोजिट देखो क्या लिखा है? तीन और दो, तीन और दो में से छोटा कौन है? दो, तो दो लिखते हैं। आ गया समझ में? इसका चौथा लास्ट देखो, 32768, इसका घनमूल याद करेंगे। पहले तीन अंक देख लो, आठ है, इनमें इकाई का अंक आठ है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है? आठ, आठ के सामने दो, आठ का घनमूल क्या है? दो। बच गए 32। 32 किस किस के बीच में आएंगे? 27 और 64 के बीच में, 27 और 64 के बीच में आएंगे ना, तो 27 और 64 का घनमूल क्या है? चार और तीन, चार और तीन में छोटा कौन है? चार या तीन? तीन छोटा है, तो इसका घनमूल क्या आएगा? 32। यही आपका आंसर है। ये होगी भी आपकी प्रश्नावली 7.2। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो घन और घनमूल का चैप्टर, तो आप प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप लोग अगर सब्सक्राइब और लाइक दोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए या आप स्टूडेंट्स के लिए, कि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आए। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो पे नए आए हो तो।